एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू सेठ ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ब्लॉग की स्टार्ट तो मैंने सुबह से की थी, बट क्या हुआ, मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लासेस इसी मोबाइल से अटेंड करती है वो, तो इसीलिए मैंने इसके बाद कोई भी शूट नहीं किया। डायरेक्ट दोपहर में स्टार्ट किया है मैंने ब्लॉगिंग करना है। और दो चार दिन तो बहुत ही अच्छा मौसम था, पानी गिर रहे थे, बट अब देखिए इतना तेज़ धूप है कि बाहर अगर आप एक बार निकल जाए तो सर दर्द होने लग रहा है, इतना तेज़ धूप हो रहा है। और गर्मी तो पूछिए मत, गर्मी तो जैसे जान ही ले लेगी, अब तो सावन आ गए हैं और आज भी बहुत ही तेज़ धूप है। तीन से चार दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है ना, आप लोग भी वीडियो में बताते रहते हैं कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पे भी बढ़ चुकी है गर्मी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हवा के पास भी रुको तो लग ही नहीं रहा है कि हाँ हवा है कि नहीं है, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है। और अचानक गर्मी आ गया है ना, दो चार दिन दस दिन तो बहुत ही अच्छी खासी पानी वगैरह गिरा, लेकिन अब जाके फिर धूप होने लगा, पानी तो गिर ही नहीं रहा है, मौसम बनाता है लेकिन फिर भी पानी नहीं गिर रहा है। तो ठीक है, फिर चलिए घर में चलते हैं। जाके मेरे हाथ में मोबाइल आया है क्योंकि सुबह से मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, जिसके कारण मेरी मोबाइल में मेरे वाले मोबाइल से ही वो क्लास अटेंड करती है। और अभी भी मेरे पास मोबाइल आया तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी देर बातें करती हूँ, और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच। और सुबह के सारे वर्क हो चुके हैं, जितने भी वर्क थे सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। कल मेरी बेटी का टेस्ट भी है, उसका तैयारी भी कराना है आज। और अभी मैंने लंच नहीं किया है, नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था, बस वही खा करके हम लोग हैं। मेरी बेटी तो खा ली है और ये भी खा करके ड्यूटी चले गए हैं क्योंकि उनको 11 बजे से ड्यूटी जाना था। तो अभी मैं बस बैठी हूँ और अब सोच रही हूँ जा रही हूँ लंच कर लूँ क्योंकि भूख लग रही है अब मुझे। प्लीज़ सपोर्ट अपना ऐसे ही बनाए रखिएगा, थोड़ी देर मेरे ब्लॉग में आप लोग ज़रूर रुकिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। देखती हूँ शाम तक मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, और हमेशा 8 मिनट का वीडियो है तो बहुत लोग का कमेंट कर रहे हैं कि इतनी छोटी वीडियो क्यों डाल रहे हो, आप अपलोड क्यों कर रहे हो, आप थोड़ा लंबा वीडियो ही आपका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसके लिए थैंक यू। आप लोग को बड़ा वीडियो लंबा वीडियो पसंद आता है तो, और जितने भी मेरे यूट्यूबर फ्रेंड हैं पूरा वीडियो तो कंप्लीट नहीं देखते हैं, जो अदर हैं वही सब मेरे वीडियो को कम्प्लीट वॉच करते हैं। तो ठीक है, फिर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मैं जा रही हूँ अभी लंच करने। लंच के बाद मैंने आराम किया, उसके बाद मैंने शाम के टाइम से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। अभी बज रहे थे शाम के 5 लगभग बज रहे थे। हेलो, ये क्या करते हो, बोलो हेलो। हेलो, दीदा बोलो, दीदा दीदा, किसु नहीं देना है, किसु नहीं देना है, पहले बोलो दीदा, बोलो दीदा दीदा। बोलो हेलो दोस्तों, हेलो, बोलो बोलो प्लीज बोलो। यहाँ मैंने शाम के नाश्ते में पास्ता बनाया, और ये भी ड्यूटी से आ चुके थे, छोटी छोटी भूख लगी थी तो मैंने पास्ता बनाया और अभी हम लोग खा रहे थे। और हवा इतनी अच्छी चलने लगी थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊं, बहुत ही सुकून मिल रहा था, कई दिनों बाद हवा चल रही थी ऐसी। दो तीन दिन से लगातार गर्मी थी और अभी जाके कुछ हवा चल रहा है, अच्छा भी लग रहा है, हवा बहुत ही अच्छी चल रही है और लग रहा है कि पानी गिरेगा। तो मैंने सोचा चलो अब आप लोग से थोड़ी देर बातें करके और वीडियो का एंड कर देती हूँ।
और आप लोग को पता है मेरे लगभग 200 वीडियो कंप्लीट होने जा रहे हैं, 2-4-5-6 वीडियो और अपलोड करूंगी तो मेरे 200 वीडियो अपलोड हो जाएंगे। बट मुझे दुख इस बात का है कि मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, 1K सब्सक्राइबर, और मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, बट अब मुझे ध्यान देना है। और मैंने हर तरीका अपना के देख लिया, डेली वीडियो अपलोड करके भी देख लिया, बट कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़ते हैं बट कट हो जाते हैं, बढ़ते हैं बट कट हो जाते हैं, हमेशा YT का ये पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और हो गया, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, बस कभी कभी लगता है क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा, और फिर भी हिम्मत नहीं हारा है। और हाँ, आप लोग को ये भी बात बता रही हूँ कि अगर आप कोई अच्छा काम करने चलेंगे ना तो पीछे से लोग आपको रोकना ज़रूर स्टार्ट कर देंगे, और वो चाहेंगे नहीं कि आप आगे बढ़ें, और हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। बट आपको हार कभी भी नहीं मानना है, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगी और न ही आज तक मैंने माना है हार, और कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं वीडियो बनाते रहूँ, अपलोड करते रहूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, श्री राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए।